रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में कोरोना आशंकित रेल कर्मियों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने का विरोध। विदेश से आ रहे कोरोना आशंकित भारतीयों को रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में रखे जाने की जानकारी पर स्थानीय लोगों का रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के बीच जमीन पर लौटकर की नारेबाजी। आबादी के बीच 200 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने का लोग कर रहे हैं विरोध। मुरादाबाद मंडल का आइसोलेशन सेंटर बनने की सूचना पर हंगामा। विरोध के बाद सेंटर रद्द होने की खबर। चंदौसी रेल प्रशिक्षण संस्थान का मामला। यहाँ यहाँ के जो प्रशासन है उसने आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए जो ईरान से पेशेंट आ रहे हैं उसके लिए ये जगह चयनित की, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसका विरोध यहाँ की जनता कर रही है। शहर के बीचों बीच में, आबादी के बीचों बीच में है, और जो आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है वो टेक्निकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी जो कनेक्टिविटी है कॉमन है, सब लोग एक दूसरे से यहाँ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आवागमन, सीवर लाइन, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो आइसोलेशन सेंटर बनाना पॉसिबल नहीं है, और इन्फेक्शन के चांसेस पूरी आबादी के बीच फैलने के कारण इसीलिए इनका विरोध कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली, मैं भी यहाँ आया हूँ, प्रशासन ने भी अभी यहाँ यही रिपोर्ट भेजी है, DM साहब बात हुई वो भी यही कह रहे हैं। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि आबादी के बीच में, जहाँ आबादी से रोगियों को अलग रखने का ये संभावना बहुत कम है, इसीलिए इसको आइसोलेशन सेंटर नहीं बनाना चाहिए। यही रिक्वेस्ट सबने यहाँ के प्रशासन से की है, और यही प्रशासन ने रिक्वेस्ट ऊपर भेज दी है, तो अभी ऊपर से आदेश आने में है कि देखिए क्या होता है। चूंकि ईरान से पेशेंट आ रहे हैं, तुम जानते हैं चीन के बाद इटली और ईरान दो ही कंट्री ऐसे हैं जब सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पेशेंट हैं, तो इसलिए ये थोड़ा गंभीर बात तो है ही है, तो पब्लिक का नाराज होना लाजमी है। तो यहाँ के अधिकारियों की, यहाँ के प्रशासन की गलती है कि ये जगह आबादी के बीच जगह का चयन नहीं करना चाहिए था। आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए जो WHO की गाइडलाइंस है या जो एक मेडिकल उसके लिए जरूरी होती है, वो सब सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है। अचानक से आधे घंटे के अंदर आप किसी को, किसी जगह को आइसोलेशन वार्ड नहीं बना सकते। अभी प्रशासन ऊपर बात कर रहा है, और ऊपर उन्होंने इस चीज की जो यहाँ की पूरी व्यवस्थाएं हैं उनके विषय में अवगत कराया गया है। दूसरी बात यह है, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए, तो निश्चित रूप से यहाँ के प्रशासन को एक अच्छी जगह का चयन करना चाहिए जहाँ की अन्य आबादी प्रभावित ना हो। थैंक यू। भाई साहब, सबसे बड़ी बात है ये जो आइसोलेशन वार्ड बन रहा है यहाँ पे, इसकी जो है मैसेज कल व्हाट्सएप पे किया गया था, उस पर सुषमा राठी, इनकी नोडल ऑफिसर हैं, मुरादाबाद में बैठती हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम केवल एक इमरजेंसी आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं, अगर यहाँ इस एरिया में हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम आइसोलेट करेंगे मरीजों को। लेकिन अभी मेरी दोबारा सुषमा राठी जी से बात हुई है, उन्होंने कहा यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने, पहले हमने यहाँ का कैंसिल कर दिया था, यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने परमिशन दी है कि यहाँ आइसोलेशन वार्ड बना दिया जाए। दूसरी चीज़, WHO की जो गाइडलाइन है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आइसोलेशन वार्ड शहर से बाहर बनाया जाएगा, किसी एकांत स्थल पर बनाया जाएगा, आबादी के बीच में नहीं बनाया जाएगा। हर आइसोलेशन वार्ड में टॉयलेट होगी, पानी की सुविधा होगी, सारी चीज़ें होंगी। यहाँ हॉस्टल में कौन सा अटैच बाथरूम है, लेटरिन बाथरूम है? तो WHO की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए यहाँ बैठे हुए अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, और एक शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा है, चंदौसी शहर के लिए। अगर यहाँ आइसोलेशन वार्ड बन गया, मान लीजिए नागपुर में 3 मरीज भाग गए थे दीवार फांग के, आपकी चारों तरफ की दीवारें टूटी हुई हैं, RPF के जवान या चंदौसी पुलिस के जवान कितने हैं यहाँ पर जो उनकी रक्षा करेंगे? एक भी भाग्या शहर में क्या होगा, पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ये इनकी मनमानी चल रही है, WHO की कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी SDM साहब ने भी कहा कि हमसे कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो इसलिए ये सब गलत हो रहा है, पूरा शहर इसका विरोध कर रहा है, इसीलिए कर रहा है। यहाँ पर मरीजों को कहाँ से लाकर रखा जाएगा? मरीजों को जैसा जानकारी आई है, जो ईरान से मरीज रेस्क्यू करके लाई है भारत सरकार, उसमें से 125 मरीज चंदौसी भेजे जा रहे हैं आइसोलेट करने के लिए, उन्हें कमरों में बंद किया जाएगा 125 कमरों में, जो जानकारी है यहाँ पे, और उसकी बस भी शायद चल रही है और एक घंटे में यहाँ बस पहुँचने वाली है। जो आइसोलेशन वार्ड पे हंगामा हुआ है, क्या है मामला? नहीं, हंगामा नहीं हुआ है, ऐसा मेरी संज्ञान में नहीं है कि हंगामा हुआ है। मुझे भी एक डेढ़ घंटा पहले ही पता लगा कि इस तरह का यहाँ पर 200 लोगों की व्यवस्था की जा रही है कोरोना के मरीजों की। तो मुझे जैसे ही पता लगा, मैंने जिला अधिकारी जी से वार्ता की, उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में भी नहीं है, हम लोगों ने तो कैला देवी के पास किया है लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिले में इतनी बड़ी, जो प्रशासन का भी है ये भी कहना है कि शहर से 15-20 किलोमीटर दूर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ये 20 शहर में है और प्रशासन कह रहा है मुझे जानकारी नहीं है।
कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन को ही नहीं पता, तो जब सभी कार्यकर्ता सभी सर्व समाज के लोगों को ये पता लगा तो वो इकट्ठित हुए हैं, लेकिन बस इतनी सी बात है कि प्रशासन इस बात को कहे कि ये यहाँ पर नहीं होने वाला है ऐसा, तो सभी लोग अपना अपना चले जाएंगे। यहाँ कई लोग धरने पर बैठे हुए हैं और नहीं अभी आया है कह रहे हैं, मेरे के संज्ञान में नहीं आया कि कौन धरने बैठा है, सिर्फ सूचना थी कि हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर काफी कार्यकर्ता सब और पार्टियों की, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी तो सभी समाज के लोग सब इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोग आए वर्तमान अध्यक्ष भी आए हैं। नहीं हमारे चाहने नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शहर के बीचों बीच चाहिए, शहर के बीचों बीच में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो ट्रेनिंग कॉलेज में आप लोग आइसोलेशन वार्ड को लेके जो यहाँ पर आप लोगों ने विरोध जताया है, वो क्या मामला है? मामला मैटर यही है, सबको पता ही है कि आइसोलेशन वार्ड के लिए यहाँ पे क्यों रखा गया है, जब यहाँ पे फैमिली रह रही है, रेलवे वर्कर्स रह रहे हैं, उनके परिवार रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? जब आप बाहर से लेके आ रहे हैं, यहीं का कोई पेशेंट होता तो उसको कैसे भी देखते, लेकिन बाहर के लोगों के लिए क्यों? ये इतनी बड़ी सिटी नहीं है, ना ये दिल्ली है ना लखनऊ, जब अपने बच्चों के लिए कोल्ड और कफ की सिरप के लिए यहाँ डॉक्टर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, दवाई नहीं है, हम बाहर जाते हैं तो फिर वायरस इस तरह के वायरस के लिए कैसे झेलेंगे? उससे अच्छा तो जो है बोर्ड बनाने से अच्छा है सबके घरों में भेज दें सारे पेशेंट को, एक बार में सब कुछ सुहा हो जाएगा, धीरे धीरे करके क्यों मरना, एक साथ ही मर जाए। आपने बात की अभी उपजिलाधिकारी महोदय मौके पे है, आप लोगों की बात हुई, क्या उन्होंने कहा? कोई कह क्या रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर दूसरे तीसरे के ऊपर यही सब ऐसे ही टाल रहे हैं। अभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला इसका? सॉल्यूशन कहाँ है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं, और जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा हम लोग जाएंगे भी नहीं, या तो हमारे परिवार के लिए यहाँ से हटा दीजिए, तो क्या करेंगे? जो भी पॉसिबल होगा कुछ भी करेंगे, मरना है तो आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे यहाँ पर, पूरा विरोध करेंगे हम सब, बिल्कुल नहीं यहाँ पर आने नहीं देंगे। लेकिन कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड को लेकर जो हंगामा चल रहा है, पूरा मामला क्या है, आप लोगों ने इसमें क्यों ऑब्जेक्शन लगाया और क्यों विरोध किया आपने? चंदौसी में अब तक कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है, कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है, और यहाँ पर कोई सुविधाएं भी नहीं है, नहीं ये रेलवे ट्रेनिंग कर्मचारी जो हैं अधिकारी, ये लोग WHO की जो गाइडलाइन है उसको भी किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना यहाँ पे इतनी सुविधाएं हैं, फिर ये बाहर से क्यों यहाँ पर कोरोना के पेशेंट को ला रहे हैं, चंदौसी वासी के जान को खतरे में डाल रहे हैं, इसको लेकर हम सब यहाँ पर विरोध करना है, और किसी कीमत पर हम यहाँ पर मरीज को एडमिट नहीं होने देंगे, एंट्री नहीं होने देंगे हम। लेकिन आइसोलेशन बोर्ड बनना तो सही है, लेकिन यहाँ पर मरीज कहाँ से आएंगे जिनका विरोध? हमें क्या पता कहाँ से आ रहे हैं, मरीज इंडिया से आ रहे हैं, मरीज बाहर से लाए जा रहे हैं, मरीज बाहर से लाए जा रहे हैं, मरीज यहाँ के मरीज नहीं है, बाहर से लाकर चंदौसी में एडमिट किया जा रहा है उनको, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, चंदौसी में कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है।